बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान है तो अफ्तारी में चना चाट तो बहुत पसंद की जाती है, तो आज हम आपको एक बिल्कुल सादा और आसान सा तरीका बताएंगे चना चाट बनाने का। इसके लिए ये बारीक आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। आलू को आपने काट के बॉईल करना है, तो ताकि इसकी शेप अच्छी रहे। इसमें थोड़े से हम उबले हुए चने, सफ़ेद चने शामिल करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लें इनको ताकि ये बराबर हो जाए तरफ से। अभी इसमें हम थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। प्याज को अपने बारीक बारीक काट कर पानी से अच्छी तरह धोना है ताकि इसके बीस पीस अलग हो जाए, बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, जुड़ी ना हो आपस में। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। ये एक सब्ज़ इसे काटी हुई है मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक, आपको ज़्यादा पसंद है सब्ज़ मिर्च और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला शामिल करेंगे। मुझे थोड़े से स्पाइसी पसंद है तो मैं चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डालूंगा इसके अंदर। तो ये देखिए, ये रेडी है आपके लिए। अब इसके ऊपर हम दही शामिल करेंगे। दही में को जब आपने फेंटना है बड़े, तो इसमें छोटा चाय वाला चम्मच चीनी डाल लेना है, उससे इसका टेस्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें हुबानी की बनी हुई चटनी, मीठी चटनी शामिल करेंगे। 3 चम्मच इसमें मैं ये डालूंगा। ये जो बन रहा है ये एक आदमी के लिए है, बहुत है ये एक आदमी के लिए, तो उसके हिसाब से ये सारा कुछ मैं इसमें डाल रहा हूँ। देखिए मीठी चटनी हमने शामिल कर दी इसमें। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा दोबारा से चाट मसाला डालूंगा टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी आलू चना चाट बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल आसान और सादा सा तरीका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।